नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। आईटी एक्ट की धारा 66A निरस्त, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखने वाले अपने एक फैसले में उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को साइबर कानून के उस प्रावधान को निरस्त कर दिया जो वेबसाइटों पर कथित अपमानजनक सामग्री डालने पर पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति देता था। सोच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आधारभूत बताते हुए न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की पीठ ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A से लोगों के जानने का अधिकार सीधे तौर पर प्रभावित होता है। वृद्धि दर के मामले में चीन को पछाड़ देगा भारत। एशियाई विकास बैंक ने मंगलवार को अनुमान जताया कि भारत की वृद्धि दर चीन को पार कर अगले वित्त वर्ष के दौरान बढ़कर 7.8% हो जाएगी और 2016-17 में यह 8.2% हो जाएगी। बैंक की सालाना रिपोर्ट एशियाई विकास दृष्टिकोण में कहा गया है कि सरकार द्वारा ढांचागत सुधार के एजेंडे और बेहतर बाह्य मांग के बीच भारत की वृद्धि और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। एडीबी का अनुमान है कि भारत की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 7.4% जबकि 2015-16 में बढ़कर 7.8% और 2016-17 में 8.2% हो जाएगी। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल की लेखिका पर हमला। दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय मूल की लेखिका पर बर्बरतापूर्ण हमला किया गया है। दरअसल लेखिका जैनब प्रिया डाला ने विवादास्पद लेखक सलमान रश्दी की सराहना की थी, जिनकी एक कृति को लेकर दुनिया भर के मुसलमानों में रोष है। हमलावरों ने उनके चेहरे पर पिछले हफ्ते ईंट से प्रहार किया और उन्हें गालियां दी। डाला को शनिवार को शहर में अपना उपन्यास व्हाट अबाउट मीरा जारी करना था, लेकिन चोटिल होने के कारण उन्हें यह कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। अब आसानी से मिलेगा US L-1B वीजा। भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनियों और उनके कर्मचारियों की दृष्टि से एक अच्छी पहल के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कॉरपोरेट कार्यकारियों के लिए L-1B रोजगार वीजा की प्रक्रिया आसान बना दी है। इसका उद्देश्य विदेशी निवेश और विशेष योग्यता वाले विदेशी व्यक्तियों को आकर्षित करना है। ओबामा ने सेलेक्ट US सम्मेलन में कहा कि मेरी सरकार L-1B वीजा खंड में सुधार करने वाली है, जिसके तहत कंपनियों को विदेशी कार्यालयों से अमेरिकी कार्यालयों में अस्थायी तौर पर ज्यादा तेजी से कर्मचारियों को लाने की अनुमति होगी। न्यूजीलैंड पहली बार विश्व कप के फाइनल में। विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से हरा दिया। इस मैच में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। 43 ओवर में 298 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम मैच में कभी भी कम नजर नहीं आई। ग्रांट इलियट ने छक्का मारकर एक गेंद शेष रहते न्यूजीलैंड को मैच जितवा दिया। इलियट ने नाबाद 84 रनों की पारी खेली। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।